हेलो गाइस, मैं इस वीडियो में बांग्लादेश और इंडिया का हेड टू हेड क्रिकेट हिस्ट्री बताऊंगा। जब से बांग्लादेश इंडिया के साथ टेस्ट मैच खेलता है तो इतना इंडिया बांग्लादेश को बहुत कमज़ोर टीम समझ के खेलता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन बांग्लादेश को कब टेस्ट स्टेटस मिला था आईसीसी की ओर से, वो देखिए। 2000 में बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस मिला था आईसीसी की ओर से। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहला मैच हुआ था ओडीआई मैच, वो था एशिया कप, ठीक है। तो ऐसे मिलके अभी तो नीचे देखिए, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हेड टू हेड इन क्रिकेट हिस्टोरी। और इधर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर देखिए टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट में देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच 13 टेस्ट मैच हुआ है, जिसमें से इंडिया ने 11 मैच जीता और बांग्लादेश ने एक भी टेस्ट मैच जीता नहीं है। और टाई या ड्रॉ कितना हुआ, 2, ठीक है। तो अभी तक बांग्लादेश ने इंडिया के अगेंस्ट अभी तक कोई टेस्ट मैच जीता नहीं है। ये 24 ईयर्स में अभी तक बांग्लादेश ने कभी इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच जीता नहीं है, ठीक है। तो इधर देखिए, ओडीआई की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच हेड टू हेड ओडीआई जो है 41 मैच हुआ है, जिसमें से इंडिया ने विन किया है 32 मैच और बांग्लादेश ने विन किया 8 मैच, और एक मैच टाई या नो रिजल्ट में है या वो बातिल किया गया था मैच, ठीक है। तो उसके नीचे देखिए, वो टेस्ट रैंकिंग देखिए, देख रहे हैं ना, सॉरी T20 देखिए। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच T20 में 14 मैच हुआ था, जिसमें इंडिया ने 13 को जीता और बांग्लादेश ने एक मैच जीता, और इसमें टाई या ड्रॉ या बातिल कोई मैच नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा, ये अभी तक टोटल कितना मैच हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच, वो 68 मैच हुआ, जिसमें रिजल्ट मिला इंडिया ने जीता 56, बांग्लादेश ने जीता 9 मैच। और टोटल जो टाई या एबडोमेट उसे क्या कहते हैं, एबडोनेट होता है, वो हुआ 3 या 9 रिजल्ट पे है, ठीक। तो ऐसे कुल मिला के वो नीचे देखिए, अभी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश इन वर्ल्ड कप में देखिए, 50 ओवर वर्ल्ड कप जो 5 मैच हुआ था, जिसमें इंडिया 4 और बांग्लादेश 1 मैच जीता। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया 5 में से 5 जीता है ना। तो ये था इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट रिकॉर्ड। तो 19 सितंबर को इंडिया और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच है, तो देखना मत भूलिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।